हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सब्जी लेकर आई हूँ, ढाबे स्टाइल की भिंडी। आज हम बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया, इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई कर दिया नॉनस्टिक पैन में। ये जो हमने टमाटो प्यूरी लिया, ये खाली टमाटर नहीं है। पहले मैंने मिक्सी में हरी मिर्च, 8-10 लहसुन के कलियाँ और राई, 1 चम्मच राई। आप मोटी राई भी ले सकते हैं, पतली राई भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह की राई ली, पहले उसको पीसा फिर मिक्सी में। उसके बाद मैंने 4 से 5 टमाटर लिए, उसको ग्राइंड किया। मतलब इस टमाटर प्यूरी में लहसुन है, मिर्ची है, राई है एंड टमाटर है। और ये इसमें छोटा छोटा प्याज हमने काट के यहाँ रखा है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा पाउडर और काली मिर्च है। और यहाँ पर हम नमक लेंगे, हल्दी लेंगे और हल्का सा अजवाइन देंगे। तो गैस पर मैंने रख दिया है नॉनस्टिक पैन, इसमें 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम प्याज को करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, हम इसको हिलाते ही रहेंगे इसी तरह से। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ हमारी मिलती रहें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अभी हल्का सा ब्राउन होने जा रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। साबुत जीरा लेंगे, हल्दी की अजवाइन लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये प्याज पक गया है, अब इसमें मैं टमाटर प्यूरी डाली, फिर मैंने लहसुन, मिर्ची और राई पीसी है। आप मोटी या पतली राई कोई भी ले सकते हैं, एक ब्लैक कलर की राई आती है मोटी, उसको भी आप ले सकते हैं, या बारीक सरसों का भी पीस ले सकते हैं। इसमें हम नमक डालने जा रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार आप ले लेंगे। ऑयल बबल्स से करने तक हमें इसको हिलाते रहना है। ये करीबन पक चुका है, तो हम पूरे मसाले डाल देंगे जो हमने काली मिर्च और गरम मसाला, पिसा हुआ जीरा लिया है और सूखा धनिया लिया। इसमें थोड़ा सा पकने दीजिए, इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसमें हम कटी हुई भिंडी भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, कच्ची, पर मैंने यहाँ पर इसको हाफ से ज़्यादा कर लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है,
और ये हमारी भिंडी बन चुकी है। अगर इसको आप 2 मिनट के लिए ढकना चाहें तो ढक सकते हैं। मैंने भिंडी को यहाँ फ्राई कर रखा था इसलिए जल्दी पक गई। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं और कच्ची भिंडी डालना चाहते हैं तो आप कच्ची भिंडी भी डालकर उसको फिर ढक कर बना सकते हैं। उसमें 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है, देखिए क्या बढ़िया कलर और क्या खुशबू आ रही है, मतलब हमारी भिंडी बहुत अच्छी बनी है। और इसके ऊपर पे हमने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब इसे हम बाउल में सर्व करने जा रहे हैं। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिसको कम पसंद है कम डालें, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है। नीचे हमारी मसालेदार भिंडी ढाबे सही तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।